बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम बनाना सीखेंगे एटम बम। मजाक कर रहा हूँ, आज हम पढ़ेंगे फिशन रिएक्शन और फिशन रिएक्शन में से ही एक्सट्रैक्ट करके किस तरीके से एटॉमिक एनर्जी एज अ वेपन यूज़ होती है और एटॉमिक एनर्जी एज अ प्रोडक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, ये जानेंगे हम। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये बिस्किट खाना पसंद करेंगे आप? कितने मज़े के लग रहे हैं ना। एक्चुअल में ये बिस्किट्स नहीं है, ये येलो केक, ये नेचुरल ओर है। यूरेनियम इस शेप में अवेलेबल होती है, यूरेनियम डाइऑक्साइड की शक्ल में। इसी से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्योर यूरेनियम इन द फॉर्म ऑफ अ मेटेलिक शेप और फिर इस यूरेनियम को हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में। सबसे पहले फिशन रिएक्शन होता क्या है स्टूडेंट्स? एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब यूरेनियम 235 में या प्लूटोनियम 239 में इंसिडेंट हो तो उसको एब्जॉर्ब करने के बाद जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है और ब्रेक करता है छोटे न्यूक्लियॉन्स में। इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है जिस एनर्जी को फिशन एनर्जी का नाम देते हैं। सो न्यूक्लियर फिशन इज द प्रोसेस इन विच अ लार्ज न्यूक्लियस स्प्लिट्स इंटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। इन अदर वर्ड्स, फिशन the process in which nucleus is divided into two or more fragments and neutrons and energy are released. तो देखिए, एक न्यूट्रॉन से ये रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है और आगे नतीजे में आपको तीन न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये तीन न्यूट्रॉन्स भी आगे फर्दर न्यूक्लियसिस में इंसिडेंट किए जा सकते हैं। तो ये एक सिंपल पिक्चर है फिशन रिएक्शन की। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है, उसके लिए हम कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पे जाते हैं। मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी कर्व में बताया था कि आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज़्यादा होती, यानी आयरन ने अपना सबसे ज़्यादा मास एनर्जी में कन्वर्ट किया हुआ है बाकी तमाम न्यूक्लियॉन्स के निस्बत। सो अगर किसी को आयरन जितना स्टेबल होना है तो उसे अपना मास किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एनर्जी में। तो अगर छोटे न्यूक्लियॉन्स को आयरन बनना है तो उन्हें जुड़ना पड़ेगा, वो जुड़ेंगे तो आयरन के करीब जाएंगे एनर्जी रिलीज करते हुए, और जो बड़े न्यूक्लियस हैं उन्हें टूटना पड़ेगा, फिशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा टू गेट नियर टू द आयरन इन द कर्व। तो बड़े न्यूक्लियस यानी यूरेनियम को टूटना पड़ता है, फिशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है टू गेट नियर टू द आयरन कर्व। तो ये बात कि बड़ा न्यूक्लियस ब्रेक करेगा तब ही वो आयरन के करीब करीब स्प्लिट होगा और मास को किस में कन्वर्ट करेगा, एनर्जी में। ये जुमला फिर बोल रहा हूँ, याद रखना है, मास किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में। अब हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ये है कि ऑटो हान एंड फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन ने जर्मनी में सबसे पहले ये टेस्ट रिएक्शन किया और देखा कि ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके नतीजे में बेपनाह हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। और ये रिएक्शन जो है उसमें तीन न्यूट्रॉन्स भी जो हैं वो मजीद प्रोसीड होते हैं। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन एक चेन रिएक्शन को इग्नाइट कर सकता है और एटम बम जो है वो चेन रिएक्शन का ही आउटकम है। अच्छा, अब पॉसिबल फिशन रिएक्शन जो आपके बुक में गिवन है स्टूडेंट्स, वो ये कि 235 पर अगर हम न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे तो ये पॉसिबल फिशन फ्रेगमेंट्स हैं जो बन सकते हैं। बेरियम क्रिप्टॉन सबसे फेमस दो न्यूक्लियॉन्स हैं, टिन और मॉलिब्डेनम भी बन सकते हैं, ज़ीनॉन और स्ट्रॉन्शियम भी बन सकते हैं। ये याद करने पर है, आप इन्हें याद कर लें तो वेल एंड गुड है, ना भी याद रख सकें बल्कि बेटर यही कि आप याद करें, क्योंकि अगर ये टॉपिक आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको ये रिएक्शंस लिखने पर अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और इन रिएक्शंस में देखें, बेरियम और क्रिप्टॉन ये आयरन के करीब करीब एग्जिस्ट करने वाले पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब है कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यूरेनियम से ज़्यादा है, यानी इस रिएक्शन के दौरान मास किस में कन्वर्ट हुआ है, एनर्जी में। प्लस क्या निकल रहे हैं, तीन न्यूट्रॉन्स, प्लस ये जो क्यू है, ये क्यू वैल्यू एनर्जी को कहते हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये तीन रिएक्शंस आपने देख लिए, अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं, एनर्जी कैलकुलेशंस पे आते हैं। बहुत स्लोली कर्सर के साथ साथ जाते हुए देखना है। न्यूट्रॉन इंसिडेंट होता है यूरेनियम 235 पर, वो यूरेनियम जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है 7.7 MeV। यूरेनियम टूटता है, स्प्लिट होता है और बेरियम क्रिप्टॉन बनाता है। अब बेरियम और क्रिप्टॉन की जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है वो 8.5 MeV पर न्यूक्लियॉन है। यहाँ बाइंडिंग एनर्जी कम है, यहाँ बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। ये जंप एक ही सूरत में लग सकता है कि अगर मास किस में कन्वर्ट हुआ है, एनर्जी में।
अब हमें ये डिफरेंस निकाल लेना है जी, 8.5 में से 7.7 को माइनस करते हैं तो 0.9 MeV एनर्जी हमारे पास आती, यानी यहाँ मौजूद हर पार्टिकल इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है न्यूली। तो टोटल पार्टिकल्स कितने थे स्टूडेंट्स, 235, और 235 को 0.9 से मल्टीप्लाई करें तो एक न्यूक्लियस के रिएक्शन में 211.5 MeV एनर्जी जनरेट होती है। ये एनर्जी कैलकुलेशंस आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इस पार्ट ऑफ वीडियो को दोबारा से सुने और देखें कि मैंने क्या बोला है कि कौन सी एनर्जी कितनी है और किस तरीके से 0.9 MeV एनर्जी जो है वो जनरेट होती। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस प्रोसीड होते हैं और फिर न्यूट्रॉन्स की जो है बम्बारमेंट से मज़ीद जो यूरेनियम न्यूक्लियस हैं वो इग्नाइट होना शुरू हो जाते हैं। अब मास ऑफ यूरेनियम पर आते हैं, जो एक बड़ी अहम चीज़ है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। मास के तीन टाइप्स हैं, सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल। सब क्रिटिकल को आप टेस्ट रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसमें ऐसा रिएक्शन जिसमें आप न्यूट्रॉन इंसिडेंट करें तो एक न्यूक्लियस स्प्लिट तो हो जाए लेकिन उससे निकलने वाला कोई भी न्यूट्रॉन फर्दर फिशन ना प्रोड्यूस करे, ऐसे मास ऑफ यूरेनियम को हम कहेंगे सब क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास ऐसा मास जिसमें जब एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो तो तीन में से कम अज कम एक न्यूट्रॉन आगे फर्दर फिशन लाजमी प्रोड्यूस करे इस रिएक्शन को या इस मास ऑफ यूरेनियम को। अब मास ऑफ यूरेनियम से मुराद ये है कि यूरेनियम को या न्यूक्लियॉन्स क्योंकि बहुत छोटे होते हैं तो हमें इस मटेरियल को बहुत डेंसली पैक करना पड़ता है, बहुत टाइटली एक दूसरे के करीब इनको पैक करना पड़ता है इस यूरेनियम को, तब कहीं जाकर ये क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती। जो क्रिटिकल मास ऑफ यूरेनियम है ये हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। और फिर आती है बात सुपर क्रिटिकल मास की, जहाँ एक यूरेनियम से पैदा होने वाले तीनों न्यूट्रॉन्स आगे फर्दर फिशन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हों और चेन रिएक्शन प्रोसीड करने की एबिलिटी रखते हों, उस मास को हम नाम देते हैं सुपर क्रिटिकल का। मैं एक बात बताता चलूं कि सुपर क्रिटिकल का वर्ड आपके बुक में नहीं है, वहाँ पे ये लिखा है कि इफ़ द मास इज ग्रेटर देन क्रिटिकल मास, तो ग्रेटर देन क्रिटिकल मास को स्टूडेंट सुपर क्रिटिकल मास कहा जाता है। तो ये है टेस्ट रिएक्शन, ये है रिएक्टर्स में यूज होने वाला रिएक्शन और ये है बॉम्ब्स में यूज होने वाला रिएक्शन। ये एटम बम में यूज होने वाला जो यूरेनियम है वो इस तरीके से, इसमें अंदाजन तकरीबन 10 से 15 किलो यूरेनियम जो है ना उसे इतना डेंसली पैक किया जाता है कि वो इतने से स्फेयर में बंद हो जाए और फिर से एटम बम में जो है वो पुट किया जाता है, प्लेस किया जाता है। अब आते हैं हम फिशन रिएक्टर पर कि हम फिशन एनर्जी को आखिर प्रोडक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स की पहले तो दो टाइप्स होती हैं, एक थर्मल रिएक्टर्स कहलाते हैं, एक फास्ट रिएक्टर्स। थर्मल क्या होते हैं, थर्मल रिएक्टर्स आर कॉल्ड थर्मल बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर स्लो डाउन टू थर्मल एनर्जीज फॉर फर्दर फिशंस, कि न्यूट्रॉन्स को स्लो किया जाता है इन रिएक्शंस में थर्मल एनर्जीज तक। द यूज ऑफ नेचुरल और स्लाइटली इनरिच्ड यूरेनियम, यूरेनियम 235 जो है ये इनरिच्ड यूरेनियम होती है स्टूडेंट्स। असल में जो नेचुरल यूरेनियम निकलती है ना जमीन में से या पहाड़ों में से वो 238 होती और वो 99.99% अप्रॉक्सीमेटली एग्जिस्ट करती, तो उसमें जो आइसोटोप 235 वो सिर्फ 0.7% है। तो 238 से 235 को अलग करने का जो प्रोसेस है उसे इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम कहते हैं और हमें इनरिच्ड यूरेनियम चाहिए। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में थर्मल रिएक्टर्स की टाइप्स होती हैं, PWR है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, या फिर इसी तरह एट हाई प्रेशर वाटर डज नॉट बॉयल। प्रेशर हाई रख दें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जिसे हमें पानी को बहुत हाई टेम्परेचर तक ले जा सकते हैं, फिर उस पानी से हम एक और पार्ट ऑफ द रिएक्टर को जिसमें पानी नॉर्मल प्रेशर पर होता है उसे हीटअप करते हैं, वहाँ से स्टीम बनती है, स्टीम से जनरेटर बनता है, फिर आगे जनरेटर स्टीम से जनरेटर घूमता है और उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये थर्मल का कॉन्सेप्ट है। फास्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि इट इज डिजाइन टू मेक यूज ऑफ यूरेनियम 238। अब 238 फिशनेबल नहीं है, ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेती है, रिएक्शंस में देखा गया है कि ये स्प्लिट नहीं होती। हाँ, हम यूरेनियम 238 को कन्वर्ट कर सकते हैं विद अ लिटिल वेट इनटू प्लूटोनियम 239 और प्लूटोनियम 239 जो है ये बिल्कुल 235 की तरह फिशनेबल है। तो प्लूटोनियम कैन बी फिशन्ड बाय फास्ट न्यूट्रॉन्स एज वेल। और जो कोर जो होती है न्यूक्लियर रिएक्टर की इज अ मिक्सचर ऑफ प्लूटोनियम एंड यूरेनियम डाइऑक्साइड सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ यूरेनियम 238।
कि जो कोर, अभी कोर में आपको बताता हूँ आगे क्या होता है, कि न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस बाय फिशन इंटरेक्ट विद यूरेनियम 238 टू प्रोड्यूस न्यू फ्यूल. देर इज नो मॉडरेटर इन फास्ट रिएक्टर. अब इसका वर्ड फास्ट याद रखना है, थर्मल और फास्ट में सारा फर्क न्यूट्रॉन्स का है. स्टूडेंट, थर्मल मीन्स स्लो न्यूट्रॉन्स, फास्ट मीन फास्ट न्यूट्रॉन्स. ये बेसिक डिफरेंस है थर्मल और फास्ट रिएक्टर्स का. तो अब पार्ट्स ऑफ थर्मल रिएक्टर्स में, सबसे पहले प्राइमरी पार्ट्स में, प्राइमरी पार्ट्स में सबसे पहली चीज़ है कोर. कोर स्टूडेंट्स, ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर ये रॉड्स हैं, रॉड्स के अंदर पाइप्स हैं, और पाइप्स में ये छोटे छोटे कैप्सूल्स हैं. और ये कैप्सूल्स क्या हैं स्टूडेंट्स, ये कैप्सूल्स यूरेनियम है. इसको इस शेप में क्रिएट करके यूरेनियम मेटल को इन रॉड्स में भरा जाता है, फिर इन रॉड्स को इस सिलेंडर में फिट किया जाता है, और फिर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ यूरेनियम जो है उसको मेन प्राइमरी पार्ट में रिएक्टर में रख दिया जाता है. दूसरे नंबर पे आता है मॉडरेटर. आप इस एनिमेशन से देख सकते हैं कि स्लोइंग डाउन का प्रोसेस है. तो मॉडरेटर हैवी वाटर हो सकता है, हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं जो रिएक्टर में फिल्ड होंगे और जो न्यूट्रॉन्स को स्लो करने का, यानी थर्मल एनर्जीज तक लाने का काम करेंगे. कंट्रोल रॉड्स स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी चीज़ हैं ये, ब्रिलियम या कैडमियम से बनी हो सकती हैं. इनका काम होता है, अगर रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाए तो ये रॉड्स न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, तो इनकी मदद से हम रिएक्शन की एफिशिएंसी को कंट्रोल कर सकते हैं. सेकेंडरी पार्ट वो होता है जिसमें एक अदर टर्बाइन है, जनरेटर और पंप्स हैं जो स्टीम से आगे टर्बाइन को घुमा के, टर्बाइन से आगे जनरेटर को घुमा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करें. तो ये एक पिक्चर आपको हर चीज़ क्लियर कर देगी स्टूडेंट्स, के ये जो रेड रॉड्स हैं ये बेसिकली कोर है. अब यहाँ पे न्यूट्रॉन्स खुद ही प्रोड्यूस हो सकते हैं, यहाँ पे चूंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो न्यूट्रॉन्स जब बम्बार्ड करते हैं यूरेनियम में तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से हीट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है फिशन फ्रेगमेंट्स की. वो हीट एनर्जी इस वाटर को, जो रिएक्टर के अंदर वाटर है ये बेसिकली मॉडरेटर कहलाता है, इस वाटर को हीट अप करके तकरीबन 500 डिग्री सेल्सियस तक ले जाती और ये बॉयल नहीं होता, प्रेशराइज्ड वाटर जो होता है. इस वाटर से हम यहाँ पर एक नॉर्मल प्रेशर पर मौजूद पानी को हीट अप करते हैं, या आप साइकिल देख रहे हैं कि यहाँ से पानी गुजर रहा है, तो इस हीट से ये पानी बॉयल होगा, ये स्टीम आगे टर्बाइन को रन करेगी, टर्बाइन आगे जनरेटर को रन करेगा और जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड होगी. वो स्टीम आगे उसे हम कंडेंसर में भेजकर दोबारा से इस वाटर में कन्वर्ट करेंगे और उसी चैम्बर में पंप कर देंगे. तो यहाँ पर ये प्राइमरी पार्ट है स्टूडेंट्स, ये जो डार्क ब्लू है, और ये लाइट ब्लू से आगे फिर सेकेंडरी पार्ट स्टार्ट हो जाता है. तो प्राइमरी पार्ट में न्यूक्लियर रिएक्शन है और इससे एक ही चीज़ जनरेट हो रही है, हीट एनर्जी. उस हीट से हम स्टीम, उस स्टीम से फिर टर्बाइन, फिर जनरेटर और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है स्टूडेंट्स, कि जब हम इस फ्यूल को यूज़ कर चुके होते हैं तो काफ़ी हद तक फिर ये जो मास है ये क्रिटिकल से सब क्रिटिकल हो जाता है, यानी फर्दर फिशन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, तो फिर ये यूरेनियम हमारे लिए नाकाबिले इस्तेमाल हो जाती. तो लेकिन फिर भी ये नाकाबिले इस्तेमाल होने के बावजूद जो है वो टेररिस्ट के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है. तो इसे आम दुनिया की पहुंच से दूर रखने के लिए न्यूक्लियर फ्यूल्स को जो नमक की कानें होती हैं वहाँ गहराई में जाके दफन कर दिया जाता है, कि नमक जो है वो रेडिएशंस को अच्छा एब्जॉर्ब कर सकता है, वो रेडिएशंस को बाहर नहीं एमिट होने देता. अब ये जो एक दायरा आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये रहा पाकिस्तान. हम न्यूक्लियर कंट्री हैं, वी हैव न्यूक्स, वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स, और अब तक की हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो ये कि पाकिस्तान इतने बड़े रेडियस तक अपने न्यूक्लियर वेपन्स को फायर करने की एबिलिटी रखता है. तो इसमें पूरा इंडिया भी आ जाता है देखें. तो खैर, न्यूक्लियर जंग जो है वो कभी भी इस दुनिया के मफाद में नहीं होगी. ये इतना डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है स्टूडेंट्स, के जब हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम्स गिराए गए थे तो लोग हीट एनर्जी से पिघल गए थे, उनकी आंखें पिघल कर बाहर आ गई थी. ये इतना डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है और चंद सेकेंड्स में मिलियंस ऑफ पीपल जो थे वो इस दुनिया से कूच कर गए थे. तो अल्लाह पाक इस दुनिया को महफूज रखे इन बड़े हथियारों की जंग से. हथियार हमें ताकत भी देते हैं लेकिन ये दुनिया के लिए ख़तरा भी हैं. तो हमें दुनिया को एक अमन की तरफ लेकर जाना है, उस पर हम सबको कोशिश करनी चाहिए. तो ये फास्ट रिएक्टर्स पे अब आते हैं स्टूडेंट्स. फास्ट रिएक्टर का सिंपल सा रिएक्शन है, मैंने कहा था कि 238 को प्लूटोनियम में कन्वर्ट करना है. तो हमें सिर्फ क्या करना है, 238 पे एक न्यूट्रॉन इंसिडेंट कर देना, वो फास्ट न्यूट्रॉन भी हो सकता है. ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके 238 से क्या बन रहा है, 239. अब ये है अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है तो ये 23.5 मिनट्स के बाद एक बीटा पार्टिकल एमिट करता है और 92 से 93 हो जाता है.
फिर 2.4 डेज के बाद एक फिर बीटा पार्टिकल इमिट करता है, 93 से 94 में कन्वर्ट हो जाता है। तो 92 से 94 239 प्लूटोनियम बनता है, और ये प्लूटोनियम जो है वो फिशनेबल मटेरियल है। तो यहाँ तक था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।